हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका बीपीएससी TRE 3 का एग्जाम जो है आपका 15 जून के पहले तक हो जाएगा। तो जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप सीरियस हो जाइए और SCERT की जो सीरीज चल रही है, बिहार की स्टेट बोर्ड की ये बुक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो GS आने वाला है, 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में, वो बिहार की स्टेट बोर्ड की किताब से ही आएगा और वहीं से प्रश्न पूछा है। NCERT और ये SCERT किताबें दोनों अलग होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। क्योंकि यहाँ पर ना आपको बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो लोग बोलते हैं ना बिहार स्पेशल करवाइए, तो ये आपको बिहार की किताबों को पढ़ने से ही आपको पता चलेगा और बिहार स्पेशल सारे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। इसके पहले अभी तक हमारी जो है 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी क्लासिक्स की जो है हिस्ट्री की किताब है। इसके बाद हम 7 का करेंगे, देन 8, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी। इस तरीके से आपका पूरा बिहार स्पेशल और बिहार का GS सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी बात पर एक लाइक कर दीजिएगा। 500 लाइक्स का आज भी टारगेट है। हर दिन जो है 200 लाइक हो जाते हैं, देखते हैं किस दिन हमारा 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें। एंड टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाती है। तो अभी तक सारे मैंने 5 चैप्टर के PDF भेज दिया है। हर दिन जो है क्लास होने के अगले दिन मैं आपको PDF देती हूं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको वेदों के बारे में पढ़ना है और कुछ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि यहां से पूछा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूं आप लोग उसका आंसर भी देते हो, और आज भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लास्ट में। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर 6 है, जीवन के विभिन्न आयाम। आखिर में ये क्या है, तो देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया है और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें कहानी दी होती हैं। तो वेदों के बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। तो आपको अपने कॉपी में ये तो लिख लेना है कि 4 वेद कौन कौन से हैं। वेदों की संख्या भी याद रखिएगा 4, और इन 4 वेदों का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद से आपको ये याद रखना है कि वैदिक साहित्य आपकी 2 श्रेणियों में विभाजित है। एक आपका पूर्व वैदिक हो गया, ठीक है, या फिर जिसको हम ऋग वैदिक साहित्य बोलते हैं, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक साहित्य। कितने विभाजित है, 2 में। पूर्व वैदिक साहित्य में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो आपका पूर्व वैदिक है जो 2 भागों में विभाजित था ना, ये पूर्व वैदिक, इसमें हम ऋग्वेद को रखते हैं। जबकि जो हमारा उत्तर वैदिक है इसके अंतर्गत बाकी के जो 3 वेद बच गए ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस तरीके से आप याद कीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। और मेरे साथ अगर आप हर दिन इस तरीके से वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वेदों की संख्या 4 है। वैदिक साहित्य को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक में हमारा आता है ऋग्वेद, और बाकी के 3 बचे आते हैं हमारा उत्तर वैदिक में। जो ऋग्वेद है आपका, वो सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको पता ही है, वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक आपका ऋग्वैदिक युग हो गया और दूसरा आपका उत्तर वैदिक युग हो गया। तो यहाँ पर आपको सारे याद करने वाले ही हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। और एक लाइन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इसके अंतर्गत हमने 3 रखा है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, सब इसी में आते हैं। मतलब कि उत्तर वैदिक साहित्य में 3 वेद हमारे आते हैं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये उत्तर वैदिक में आता है। ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा था कि अरण्यक और उपनिषद किस में आते हैं, तो उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं, ना कि पूर्व वैदिक में। ठीक है, तो यहां पर आपने याद कर लिया। अब ये आपका जो ऋग वैदिक युग है, ये देखिएगा एक बार ध्यान से, ये जो वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को हमने दो कालखंडों में विभाजित किया था। जैसे कि एक हमारा ऋग वैदिक, वही ऊपर वाली लाइन लिखा रहा है, और एक हमारा उत्तर वैदिक। ठीक है, चलिए अब ये आपको याद रखना है, ये जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है वेद कितने हैं, बताइए 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण कितने हैं, 9 है, ये नंबर याद रखना है आपको। अरण्यक कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, अरण्यक 6 हैं। प्रारंभिक उपनिषद कितने हैं, 13 हैं, और कुल उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। तो वेद मौखिक रूप से ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या फिर प्रार्थनाओं को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसीलिए वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। याद रखिएगा, श्रुति का मतलब सुना हुआ, तो वेद को हम क्या कहते हैं, श्रुति। और ये आप ऋग्वेद का एक अंश देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं, चलो वेद की भाषा को हम क्या कहते हैं, तो ये प्राकृत संस्कृत है या फिर हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। वेद की भाषा आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्राकृत संस्कृत होता है या फिर वैदिक संस्कृत। आप स्कूल में जिस संस्कृत को पढ़ते हैं ना, उससे ये थोड़ा सा अलग होता है। इन वेदों में
प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं, मतलब जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की है वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, आर्य। अभी देखेंगे कि आर्य कौन थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्यों के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों को, आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे। मतलब विरोधी की बात हो रही है, जो दास और दस्यु थे वो लोग आर्यों के जो देवताएं थे ना उनकी उसमें श्रद्धा रखने वाले और यज्ञ करने वाले में। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि आर्यों के विरोधी दास एवं दस्यों के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे। मतलब ये लोग इसको नहीं मानते थे, अतः उन्हें आर्यों का बहुत बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा ही भी बोलते होंगे। तो देखिए भाई, आर्य तो चलो ठीक है, ये लोग कभी कभी जो है खुद को आर्य कहते थे क्योंकि ये प्रार्थना की रचना करते थे, और जो इनके विरोधी थे ना वो लोग श्रद्धा रखने वाले और ये यज्ञ इसमें भरोसा नहीं करते थे, इसलिए इनको आर्य का एक सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। अब ये आर्य कौन थे इसको देख लेते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये बॉक्स में बना होता है ना ये तो पूछा ही जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो पता चल गया ना आर्य आपको। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक विशेष भाषा बोलने वाले ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थे आर्य। अब आगे चलते हैं, ये देखिए अब इसमें भाषाएं भी अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले तो यही आपसे पूछा था कि संस्कृत भाषा किसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा भारोपी भाषा वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा आपका भारोपी है, मतलब भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। बहुत बार पूछा है कि संस्कृत भाषा किसके अंतर्गत है, भारोपीय। भारत की अनेक भाषाएं हैं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, यूरोप, बहुत सी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, स्पैनिश, सब इसी से जुड़ी हुई हैं। किससे, भारोपीय से। ठीक है, इन्हें भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मातृ संस्कृत में है और हिंदी में माँ है। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत हैं, भारोपीय भाषा परिवार के अंदर हैं। संस्कृत भी इसी का एक अंग है। ठीक है, आप ये फोटो देख सकते हो, धूसर मृदभांड, और जब हम एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये एक बर्तन होता है, इस पे चित्रित है, ये आप देख सकते हैं फोटोज, इसको मतलब इसको अच्छे से पेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए, विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक, ये पुरातात्विक प्रमाण मिला है। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थी जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे ये लोग, ये ऐसा प्रमाण मिला है। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में हम जान सकते हैं कि आर्यों का बसाव कहाँ पे था, इनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं आर्यों का बसाव। देखिए वैदिक आर्य जो है कई समूहों में भारत में आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न पूछता है कि सप्त सैंधव किसके लिए है, तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए, इंपॉर्टेंट है, जिसे आजकल हम पंजाब, ठीक है, वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, तो ये आजकल हम इसको पंजाब के नाम से पुकारते हैं। किसको, सप्त सैंधव। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में बस गए। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, मतलब कि उत्तर वैदिक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो हमको शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्यों का जो फैलाव है वो उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार की गंडक नदी तक हो गया था। और यही प्रश्न आपका बिहार से रिलेटेड है कि आपसे पूछेगा कि ये जो आर्यों का जो फैलाव था वो बिहार के किस नदी तक, किस नदी के तट तक हो गया था, तो याद रखिएगा बिहार के गंडक नदी। ठीक है, और आर्य निवास स्थल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सप्त सैंधव, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब ये सप्त सैंधव देख लेते हैं कि कितनी सहायक नदियां हैं, और ये आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो सिंधु एवं उसकी पांच सहायक नदियां जिसको हम सप्त सैंधव बोलते हैं, जिसमें सतलज आता है, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दृष्टदती नदियों का क्षेत्र, तो ये आपको रट लेना है। और एक तरीका भी मैं बता सकती हूँ, जैसे कि जे से हो जाएगा हमारा झेलम, ठीक है, सी से हो जाएगा हमारा चिनाब, आप इस तरीके से निमोनिक्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा आर से हो जाएगा रावी, जे सी आर, तो इसको आप इस तरीके, देखिए ये हमारा झेलम हो गया जे से, सी से हमारा हो गया चिनाब, आर से हो गया हमारा रावी, व्यास का आप डब्लू कर सकते हो, फिर सतलज का आप यहाँ पर एस कर सकते हो, तो इसको आप याद कर सकते हैं ना, जे सी आर डब्लू एस, तो कुछ तो आपको याद ही हो गया, बाकी सरस्वती और दृष्टदती आप याद कर लीजिए, जे सी आर डब्ल्यू एस, ये होते हैं हमारे सप्त सैंधव, सिंधु और उसकी पांच सहायक नदियां। ठीक है, उसके बाद आपका गंगा यमुना दुआब,
गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है ये। पूछता है कि गंगा यमुना दोआब जो है कहाँ तक फैला है या इस किसे कहते हैं, तो गंगा और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है ना, हम इसे बोलते हैं दोआब। ठीक है, चलिए। और आज की क्लास, अब जैसे जैसे हम आगे की चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तो क्लास 6 है। क्लास 7 की जब आप हिस्ट्री करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ये देखिए ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ऋग्वेद से हमको पता चलता है कि जिनके पास ज्यादा गाय होती थी ना, लोग उसको बहुत धनी मानते थे, और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गाय को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध करता था। इतना इंपॉर्टेंट था गाय, क्योंकि भाई जिसके पास जितने गाय है वो उतना अमीर है। गौधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था। तो याद रखिएगा, गौधन की रक्षा के लिए किसका चुनाव, तो सरदार या फिर राजन का, जो बहादुर और कुशल योद्धा हैं। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे कि जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। तो जो राजन था ना, वो केवल एक मुखिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो याद रखिएगा, ये राजन और ये सरदार क्या करते थे, गौधन की रक्षा करते थे, एक तरीके से इनको आप मुखिया ही मानेंगे। चलिए, तो यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, उसको याद रखना है। उसके बाद से देखिए, ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज्यादा महत्व है। अब ये विदत क्या है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ना ये जो संस्था थी ना विदत, इसका काफी इंपॉर्टेंस था। लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान एक नाम है, और इसका स्थान जो है ना सभा और समिति ने ले लिया। सभा क्या है, सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित मतलब इम्पॉर्टेंट लोग ही हुआ करते थे, जबकि जो समिति थी वो आम लोगों की संस्था थी। तो देखिए, इसमें याद रखिएगा, ये जो सभा है इसमें केवल प्रतिष्ठित लोग थे, और जो समिति थे इसमें आम लोग थे। ठीक है, और इसका स्थान विदत का महत्व घटा, तो इसका स्थान लिया था सभा और समिति ने। समझ में आ गया। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य होता था, और इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में मतलब एडवाइस, सलाह, मशवरा से करते थे। और इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो सभा समिति होती थी, क्या इसमें महिलाएं भाग लेती थी, तो जी हाँ। इन संस्थाओं में कबीले के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। तो ये हो गया हमारा सभा समिति, इनसे रिलेटेड। अब एक तो था कि जिसके पास जितना गाय होगा ऋग्वैदिक काल में वो उतना अमीर होगा। दूसरा ये है कि ऋग्वैदिक काल में ना आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। ठीक है, मतलब इनका मेन वर्क था पशुपालन। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है एक जगह पे तो भाई अगर चारा खत्म हो जाएगा, पशु जो है उसको खा जाएंगे, तो दोबारा से उसको वहां पर उगने में काफी समय लगेगा। इसलिए ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, और इसी कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता है। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, राजन क्या है, किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं है, बल्कि कबीले के जितने भी लोग हैं ना, कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। स्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी तो फसल पकेगी, उसको काटेंगे और वो तैयार होगा। ठीक है, मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वे जौ की खेती करते थे, जिसे हम यौ बोलते हैं। जौ की फसल आमतौर पर कम से कम समय में तैयार हो जाती है, इस कारण इस फसल को उगाना बहुत ही आसान था। और कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला है कि वे जो स्थानीय निवासी थे, निवासियों से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। मतलब ये सब क्या करते थे, पहले तो जौ आसानी से उग जाएगा, दूसरा कि जो वहाँ के स्थानीय जो निवासी थे ना, उन लोगों से ये लोग गेहूं लेते थे, और इन फसलों के बदले क्या करते थे, दूध घी आदि वस्तुएं उन्हें देते थे। मतलब एक्सचेंज, तुम मुझे गेहूं दे दो, मैं तुमको दूध घी दे दूंगा, इस तरीके का यहाँ पे काम होता था। गाय के अतिरिक्त, गाय तो इनका था ही, बट गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरी और घोड़े भी पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था। ठीक है, मतलब पशुपालन ही इनका मेन काम था, और कृषि भी होते थे बट वो कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है। तो अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख है, तो याद रखिएगा यव, जिसे हम जौ बोलते हैं, जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। और जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले तथा कुम्हार शामिल हैं। बढ़ई धातुकर्मी रथकार की रथों का निर्माण करते थे। घोड़े से जुते हुए रथ, जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था।
तो कम मिला है बट यस मिला है, और अनाज में एक जौ का मिला है कि ये लोग जौ की खेती करते थे। लोगों का जीवन जो है ना प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर था, वो लोग डिपेंड थे नेचर पे। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, और ये जो मैंने हाईलाइट किया है यही पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में जो है किस देवी देवताओं के बारे में चर्चा मिला है, तो याद रखिएगा इंद्र, अग्नि, सोम, इन्हीं तीन देवी देवताओं की बात की गई है। इंद्र को मानते हैं युद्ध का देवता, अग्नि को मानते हैं आग का देवता, और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं की बात की गई है, तीन, इंद्र, अग्नि, सोम। इंद्र युद्ध, अग्नि आग, और सोम पौधा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है इस चीज को याद रखिएगा, बाकी यहाँ नीचे से कुछ नहीं पूछेंगे। अब यहाँ देखते हैं, जब आर्य लोग भारत में आए तो वे तीन सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। जब वो आर्य भारत में आया तो तीन में एक था योद्धा, पुरोहित और साधारण जन, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजजन्य, वैश एवं शूद्र अर्थात चार वर्णों की कल्पना की गई थी। अगर आपसे पूछेगा कि ये पुरुष सूक्त क्या है, पुरुष सूक्त में कितने वर्णों की कल्पना की गई है, तो चार। याद रखिएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, दोबारा से बताती हूँ, चार का है, ब्राह्मण, राजन्य, वैश एवं शूद्र। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी, मतलब वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाया था, बट इनकी कल्पना किया गया था पुरुष सूक्त में कि चार जो है वर्णों की कल्पना हुआ था, बट ये स्थापित नहीं हो पाया था, इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर इसलिए आपको याद रखना है किसमें किया गया है, पुरुष सूक्त में। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर वैदिक काल। देखिए इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के जितने भी पहलू थे ना उसमें परिवर्तन हो रहे थे। आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर अब खेती को मुख्य पेशा बनाया, पहले पशुपालन था इनका मेन काम, अब इनको इन्होंने कृषि को बना लिया, चेंजेस हो रहे थे ना, इसलिए एक स्थान पर बस कर रहने वाले बस कर रहने लगे, क्योंकि पहले ये लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, और कबीलों का ना निश्चित क्षेत्र भी तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में ही लौह युग का आरंभ हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि लौह युग का आरंभ कहां पे हुआ था, तो उत्तरी भारत में। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। लौह तकनीक का प्रयोग प्रारंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए, और फिर धीरे धीरे कृषि और भी जो है कामों में होने लगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरिजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा लोहे का अवशेष आपको तीन जगह पर मिला है, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर और अंतरिजी खेड़ा। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये कई बार पूछा गया है लोहे से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें हम कहते हैं चित्रित धूसर पात्र। अभी आपको मैंने मिट्टी का बर्तन दिखाया था ना, उसी की बात हो रही है, क्योंकि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर आपने देखा था ना, वो ऊपर जो कलश बनाया गया था इस पे ज्यामिति सरल रेखाएं, इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। और स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे, क्योंकि अब वो लोग मूव नहीं करते थे एक जगह पे रह के, अब वो खेती वगैरह ज्यादा करने लगे थे। लोहे का भी यहाँ पर जो है युग आरंभ हो गया था, और यहाँ पर लोहे के अवशेष आपको मिला ही है, ये चीज मैंने आपको बता दी। धूसर पात्र भी मिला हुआ है, तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि लोग अब स्थायी रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल जो है अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। पहले क्या हो रहा था ना कि एक छोटा छोटे कबीले थे, अब ये सब मिलकर एक जनपद जनपद बन गए। जैसे कि पुरु एवं भरत जन मिलकर बन गया कुरु जनपद, ठीक है, पुरु और भरत जन मिलकर बना कुरु जनपद, तथा दुर्वश एवं क्रीवी जन मिलकर बन गया पांचाल। ये तो आप जानते ही होंगे, इसकी आपने सीरीज भी देखी थी। तो पांचाल जनपद किससे बना है, दुर्वश एवं क्रीवी से, और कुरु बना है पुरु एवं भरत से। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हम किस काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की, और ये अश्वमेघ यज्ञ मैंने आपको एनसीईआरटी की सीरीज में ही बताया था। देखिए जितने लोग भी मेरे से पूछते हैं कि जो 5 बजे की सीटेट की एसएसटी वाली जो क्लासेस होती है ना एनसीईआरटी वाली, क्या वो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये दोनों चीजें आपको क्लासिक से लेके 8 तक पढ़ना है। तो चाहे भले से आपको सीटेट नहीं देना है, बट फिर भी आप 5 बजे बीपीएससी के लिए जरूर करें, क्योंकि दोनों ही आपके लिए जरूरी है, और जो सीटेट वाले हैं वो तो बीपीएससी का देखेंगे ही।
ठीक है, उसमें ही मैंने आपको बताया था ना कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है, और वहां पर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि राजा के रूप में ना यज्ञ का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, मतलब ये लोग यज्ञ करते थे फिर उसमें राजा बनते थे। कैसे बनते थे, क्या करते थे ये लोग कि यज्ञ करेंगे, उसके बाद से ना एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ देंगे। और मान लो एक राजा है जिसने क्या किया, यज्ञ किया, फिर इसने अपने राजा के लोग होते हैं जो दास वास होते हैं उनकी देख रेख में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। अब ये घोड़ा चला जाएगा दूसरे राजा के क्षेत्र में, तो मान लो यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। मतलब पहला वाला राजा जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अब इसके घोड़े को रोक लिया है दूसरे वाले ने, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और मान लो अगर इसने जो है घोड़े को नहीं रोका, जाने दिया, तो ये मान लिया जाता था कि जो पहला वाला राजा है ना जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है ये काफी शक्तिशाली है, यही कहानी है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछता है, तो इसको युद्ध करना पड़ता था किससे, अश्वमेध यज्ञ वाले से। और अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। वही आपको मैंने कहानी बताई, पहला राजा है जो यज्ञ कर रहा है, इसने अपने घोड़े को छोड़ दिया, यह पहुंच गया दूसरे राजा के क्षेत्र में। अब इसने क्या किया, इसके जो घोड़ा है, मान लो ये घोड़ा बना देते हैं, इसको रोक लेगा तो इसको युद्ध करना पड़ेगा इससे, पहले वाले से। और मान लो कि इसने नहीं रोका घोड़े को, कहा भाई तुम जाओ खा पी के आओ, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका राजा था, इस राजे का ये घोड़ा था, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, काफी पावरफुल है। तो ये था कुल मिलाकर कहानी। तो जाने दिया जाता था, इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का जो है गान किया जाता था। महायज्ञ करने वाले राजा अब जो है जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी ऊपर पढ़ा था ना हमने, सभा और समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी, और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल गया। लोग गिफ्ट भी लेकर आते हैं जो अश्वमेध यज्ञ करेगा ना राजा इसके लिए। तो उपहार और नजराना क्या है ये देख लीजिए, जहां पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है, वहीं पर जो नजराना है ना इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ। देखो टैक्स क्या होगा, आपको रेगुलरली पे करना होगा, बट ये नजराना जो है ना इरेगुलर होता है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाएगा। और ऐसी नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से दे, मतलब अपने मन से दे, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, बाकी यहाँ पर वही सेम चीज लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए थे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों से विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियम के बारे में बताया गया है। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारिक, शिल्पक्राम, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक और व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर ये जो पशुपालक ये लोग थे ना इनका जीवन काफी निर्धन था, काफी गरीबी में बीतता था, ठीक है, इनके पास पैसे वगैरह थे नहीं। पुरोहित किसे कहते हैं, याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग, मतलब जो यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह करवाएंगे ना उनको कहते हैं पुरोहित, ये तो आपको पता ही है। पुरोहित ने क्या किया, लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया जिन्हें हम कहते हैं वर्ड, याद रखिएगा चार वर्गों में किसने विभाजित किया था, पुरोहित ने, जो यज्ञ वगैरह करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। मान लो कि ब्राह्मण है उनका काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है, वैश्य का, शूद्र का, तो ये इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला वर्ण है वो ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उनको गिफ्ट मिलता था। और ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, याद रखिएगा चार वर्गों में विभाजित किया पुरोहित ने और उनके काम को निर्धारित किया। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो वेद का अध्ययन करेगा, यज्ञ करेगा और उसके लिए उसको लोग गिफ्ट देंगे। वहीं पर जो क्षत्रिय है उनका काम था, देखिए जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर थे वैश्य, ये क्या करते थे, कृषि का काम करेंगे, पशुपालन का काम करेंगे, व्यापारी का काम करेंगे, ठीक है। उस क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये प्रश्न पूछता है कि यज्ञ करने का अधिकार किसको किसको था, तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों का था। जो लास्ट में वर्णों में अंतिम स्थान था वो था शूद्रों का, और इनका काम था अन्य तीन वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना था काम शूद्रों का। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, चाहे वो ब्राह्मण की औरतें हों, क्षत्रिय की औरतें हों या फिर वैश्य की, उनको भी लोग उस समय मानते थे शूद्रों के ही समान। और इसी वजह से महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, मतलब वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, और अगर वो पढ़ते हुए पाए जाते थे तो उनको सजा मिलती थी।
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। ये मानते थे कि भाई जो वर्ण है ना, इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होगा कि तुम किस कुल में पैदा हुए हो, किस घर में पैदा हुए हो। अगर कोई ब्राह्मण माता पिता है तो उसके बच्चे जो होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर कुल्हाड़ी से काट कर वहां पर खेती बनाने योग्य, मतलब खेती करते थे और लोहे के फाल से गहरी जुताई करेंगे। और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली जो तरीके थे, जुताई बुआई कटाई ये सब चीजें थी। धान गेहूं जौ दालें गन्ना कपास तिल सरसों जैसी फसलें उगाते थे। वैसे ऊपर वाली जो चीजें थी वो इम्पोर्टेंट है, चार वर्ण और उनके काम और किसको यज्ञ में जो वेद है उसका अध्ययन करने का किसको जो है अधिकार था और किसको नहीं था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, उत्तर वैदिक काल में ना धर्म की दो धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का था बल, एक का बल जो है वो कर्म पर था और दूसरे का था ज्ञान पर, ठीक है। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। आपको अभी मैंने बताया कि राजा जो है अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय, राजसू जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। यागी क्रियाओं को कर्मकांड भी कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहित की जरूरत होती थी। पुरोहित जो है यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो ये प्रश्न पूछा है कि यजुर्वेद यज्ञ जो है वो किस वेद में शामिल है, तो यजुर्वेद में है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए यज्ञ जो है आपको यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा। और जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, जो मैंने आपको सामवेद ऊपर बताया था ना, सामवेद में संगीत मिलेगा आपको, तो 100 से याद रख लीजिएगा। और जो अथर्ववेद है वो जादू टोना से रिलेटेड था, तो ये भी प्रश्न पूछता है। तो यज्ञ आपका आ गया यजुर्वेद में। इसका उद्देश्य था ना कि इससे हम क्या करेंगे, कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे, प्रभुत्व तो स्थापित करेंगे, ठीक है। चलिए, धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में दिखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में उपनिषद के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए। और ये देखिए अश्वमेध यज्ञ, ये घोड़ा को जैसे ही रोकेंगे तो फिर यहां से युद्ध करना स्टार्ट, ठीक है। आगे देखिए वैदिककालीन शिक्षा, तो इसमें बस आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर फिर कहानी दिखाई जा रही है। तो देखो वैदिक काल में शिक्षा जो है मौखिक रूप से दी जाती थी, आपको ये याद रखना है। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। कितना? 12 वर्ष तक, और वो घर नहीं जाएंगे, 12 वर्ष तक वहीं पर रह के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मौखिक रूप से शिक्षाएं दी जाती थी जिसके आप एक झलक देख सकते हो यहां पे, ठीक है। और ये नीचे ना इस कहानी दी गई है कि किस तरीके से एक एक लोग आएंगे, फिर उनको पढ़ाया जाएगा। तो यहां से कोई प्रश्न पूछता नहीं है, इसलिए आप इसको हटा दीजिएगा। यहां से प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले तो यही पूछता है कि इनाम गांव की भारत के हमारे किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उत्तर पश्चिम में, उसी समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज और संस्कृति का विकास हो रहा था जो कि था इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी, ठीक है। याद रखिएगा, एक अलग संस्कृति जो कि इनाम गांव, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर पहले लोग रहते थे जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पूरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ताम्रपाषाण बस्ती। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ी में रहते थे और छत जो है फूस की बनी होती थी। यहाँ के लोग जो है नारंगी रंग से रगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे जिन पर काले रंग की डिजाइन बनी होती थी। तो ये लोग ना नारंगी, मतलब कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर, उस कलर से जो है रंग देंगे बर्तन को और उस पर काले रंग से डिजाइन बना देंगे, ज्यामिति। यहाँ के लोग जो है, इनाम गांव के लोग जौ गेहूं मटर मसूर धान की खेती करते थे और पालतू पशु थे जैसे कि गाय बैल भेड़ बकरी कुत्ता घोड़ा। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, इसी से पता चलता है कि यहाँ के लोगों इन जानवरों को पालतू बनाकर रखते थे। तो हड्डियां जो प्राप्त हुई है ना, तो कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इनको खाते भी थे, ठीक है। कई हड्डियों पर ना ऐसे
चोट काटने के निशान मिले हुए हैं। इनाम गांव के सबसे पहले याद रखना यहाँ की संस्कृति कैसी है, ताम्रपाषाण संस्कृति। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक जो पहलू है वो मृतकों को दफन करने का तरीका था, और यही प्रश्न पूछता है। ठीक है, मृतकों का दफन करने का कहाँ पर प्रमाण मिला है, इनाम गांव में। ये क्या करते थे ना, एक आदमी को मकान है, देखो ये रहा हमारा मकान, एक मिनट, ये क्या करेंगे, आदमी को मकान का ये बीच में आंगन है, आंगन में ना मिट्टी के बने संदूक में यहाँ पर ऐसे बीच में सेंटर में दफना देंगे। ठीक है, और यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। तो ये सारी चीजें मिली हुई हैं। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ, मतलब इनके साथ ना मिट्टी के बर्तन भी रख के दफना देंगे, जिनमें साथ खाने पीने की वस्तुएं रखते थे कि भाई क्या पता ये आगे चलकर इसको खा सके। कब्रों में मृतक के साथ औजार, हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। ठीक है, तो इनके साथ बर्तन भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं और गहने भी मिले हैं। कहाँ पर, इनाम गांव में। तो इनका जो दफनाने का तरीका था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आंगन में मिट्टी के बने संदूक में ये दफनाएंगे, और ये सबसे बड़ा मकान होता था, और इनके साथ खाने की चीज़ें मिली हैं, हथियार गहने भी मिले हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब ये है आपका क्वेश्चन आंसर, और एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ डेली, तो प्लीज़ आंसर जरूर दिया करें। वेदों की कुल संख्या कितनी है बताइए, चार हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, उसके बाद से आपका ऋग्वेद के बाद से ऋग्वेद, यजुर्वेद जो है जहाँ पर यज्ञ जो है वो इस वेद से संबंधित है, यज्ञ, यज्ञ अनुष्ठान। जो हमारा सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है, सामवेद सौ से याद कर सकते हैं। और जो आपका अथर्व वेद है ये आपका जादू टोना से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। पुरुष सूक्त किस वेद में है बताइए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। वैसे आप दे ही दे दोगे तो इसका हमको प्लीज़ बताना, पुरुष सूक्त किस वेद में है, मैं आपको बार बार वहाँ पे बता रही थी। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था कि पशुपालन था, इसका आंसर जरूर देना। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में है। जो आर्य थे इनका विस्तार बिहार के गंडक नदी तक था। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेदिक आर्य अनाज पैदा करते थे, यहाँ पर क्या होगा आंसर बताइएगा। इनाम गांव कैसी बस्ती है, ताम्र पाषाणिक बस्ती है। वैदिक कबीले का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे, इसका भी आंसर आप देंगे। तो चार से पांच आंसर मैं बता देती हूँ और चार से पांच आपसे पूछती हूँ। चलिए ये वाले भी नीचे के आप कर सकते हो, जैसे कि हाँ या ना में दीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे या नहीं, आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था, वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था, आर्य लोग नगर में रहते थे, इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे। तो ये तो गलत है, जलाते नहीं थे, दफनाते थे। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ 500 लाइक्स का टारगेट आज कंप्लीट कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली 3 बजे होती है हमारी बीपीएससी का, और 5 बजे होता है हमारा सीटेट का। जितने लोग भी बीपीएससी दे रहे हैं, भले से आपका सीटेट पास है, बट जीएस के लिए आप 5 बजे की सीटेट की क्लास जरूर देखें, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी सीरीज़ वहाँ पर चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।